आज का ये वीडियो है, ये बेसिकली एक नया इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में है जो अभी हुआ था। उसमें उन्होंने किस टाइप का क्वेश्चन करा था, ये सब मैं भी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो बात करूँ तो ये बेसिकली था आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज के लेक्चरर का था। तो इसमें उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन करा था, किस टाइप का क्वेश्चन करा था, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये टाइमिंग क्या था, डेट क्या था, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो ये इंटरव्यू हुआ था, ये अभी 7 तारीख को अभी हुआ था। तो उसमें मॉर्निंग शिफ्ट का ये था। तो अगर इंटरव्यू की बात करें, इसमें बस एक ही थे चेयरपर्सन, उन्होंने ही पूरा का पूरा इंटरव्यू रखा। सबसे पहला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो उन्होंने सबसे पहला जो पूछा था, वो पूछा था कि आप बताएं कि आप बीटेक आपने कब पास करा, तो आपको जो अपने जो भी बीटेक पास करे उसके बारे में आपको बताना है। डिटेल ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस आपको बीटेक के बारे में बताना है और कॉलेज का नाम इतना सफिशियंट है। फिर उन्होंने पूछा कि करंटली आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या चल रहा है, तो आप जो करंटली जो भी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये मोटिवेशन, अब देखो क्या ये पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर का इंटरव्यू है, तो इसमें वो पूछेंगे वैसे ही क्वेश्चन जो कि सोशल से ज़्यादा रिलेटेड हो। आप कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों को, कैसे आप मोटिवेट कर सकते हो। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन क्या होता है, ये बेसिकली एक जनरल बात है तो आपको ये बताना था, और ये आप आराम से बता सकते हो। मतलब ये एक तरह का रिफरेंस, वैसे नहीं कि वो पूछेंगे यही सवाल कि आप बताएं कि ये मोटिवेशन क्या होता है, इसके अलावा कुछ और पूछ सकते हैं। मतलब इससे आइडिया लगेगा कि वो जनरल क्या क्या बात वो पूछते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन में जो भी डिफरेंस है वो आपको बेसिकली बताना है, और ये ऐसा चिल रख के बताना है, ये नहीं कि आप बहुत टेंसड हो गए और आप ये भी बेसिक जवाब ना दे पाए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको भीमराव अंबेडकर आपको इंस्पायर करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर आप, सबको पता है बेसिक बेसिक क्या भीमराव अंबेडकर क्या थे, कैसे आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, तो वो सब बेसिक है, आप ये सब जनरल नॉलेज है, ये सब आप बता सकते हो। फिर देखो जैसे इन्होंने पूछा कि आपने कब डिसीजन लिया कि आपको इंजीनियरिंग करना है, तो जो फैक्ट है वो आप फैक्ट बता देना। अगर बहुत सारा स्टेटवर्ड वाले होते या फिर बेसिकली यू नो जिनको बस करना होता है, ये उन्हें पता नहीं होता है कि कब करना है, क्या करना है, या फिर सराउंडिंग प्रेशर है बहुत सारी रीजन से, तो आपको जो फैक्ट है वो आपको फैक्ट बताना है। क्योंकि आपको वो, आप जैसे ही गलत बोलोगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा बोलोगे, वो तुरंत पकड़ लेंगे आपको कि आप ये गलत बोल रहे हो या फिर कुछ यू नो एडिशनल बोल रहे हो। तो आपको जो भी बात है वो आपको बता देना। तो एक और फिर उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आप इंजीनियरिंग करोगे, तो ये सब आपको बताना है कि आप कहाँ से मोटिवेट हुए, किन्हीं को देख के या कोई भैया या फैमिली है, जो भी, तो आपको बेसिक बेसिक बताना है। अभी उन्होंने पूछा कि आप अपने लाइफ का पर्पस के बारे में राइट डाउन करें, तो आपको वो सब लिखना है जो आपका पर्पस, जो एम्बिशन है, जहाँ तक जाना चाहते हो, कोई वो सब आपको डिटेल आराम से लिखना है। उसके बाद अभी तक देखो इन्होंने कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं कराए, ये बस वैसे ही पूछ रहे थे, जनरल नॉलेज का एग्जाम, जनरल नॉलेज का जो भी सवाल था, जो भी क्वेश्चन था, वो बस पूछ रहे थे बेसिक बेसिक। अब उन्होंने क्वेश्चन करा तो ये बहुत, क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज का है तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बेसिक होता है। तो इन्होंने पूछा कि आप बताएंगे, सबसे पहले तो उन्होंने करा पूछा कि आप सी एयर फोर्स क्या होता है, तो आपको सी एयर फोर्स आराम से बता देना है, बेसिक है, बहुत बेसिक है। सी एयर फोर्स क्या होता है, फोर्स जो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में जो भी फोर्स होता है वो सी एयर फोर्स होता है, तो ये हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि नेट फोर्स क्या होता है, तो आपको सबको पता ही है, 12th 11th का पार्ट है कि नेट फोर्स क्या होता है, आपको बता देना। वेक्टर सम ऑफ जो भी होता है वो आपका नेट फोर्स होता है, आपको इसे बताना है। फिर एक अब्स्ट्रैक्ट फोर्स होता है, फिर उन्होंने पूछा कि अब्स्ट्रैक्ट फोर्स बेसिकली आपको बताएं कि जो भी फोर्स आप, मैंने अभी पूछा जैसे शियर फोर्स हो गया, आपका नेट फोर्स हो गया, अब्स्ट्रैक्ट फोर्स हो गया, तो ये कौन सा है, जो इसमें से कौन सा फोर्स वाला पार्ट है जो कि इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ना है। तो आपको पता होगा आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ेंगे, वेक्टर ये सब पढ़ना ही था आपको भाई, फर्स्ट ईयर में तो सब पढ़ना ही होता है। उसके बाद इन्होंने पूछा शियर फोर्स ये पढ़ना होता है, अब्स्ट्रैक्ट फोर्स क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है ये विदाउट एनी रेफरेंस, तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना था इंजीनियरिंग में, आपको बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट फोर्स क्या क्या होता है ये आपको बताना, तो मैंने अभी बताया आपको कि अब्स्ट्रैक्ट मतलब मीन्स होता है ये कि विदाउट एनी रेफरेंस इज नथिंग बट ओनली अब्स्ट्रैक्ट, तो आपको इस हिसाब से जाना है। फिर उन्होंने पूछा कि डिफरेंस आपको बताना है ये तीनों में, जो अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, और तो आपका नेट फोर्स क्या होता है, ये में डिफरेंस आपको बताना है। तो ये बेसिक है, मैंने आपको बता दिया, आप बता सकते हो। फिर एक उन्होंने पूछा कि महात्मा गांधी का पूरा नाम, फिर उन्होंने पूछा कि महात्मा आपको एक बेसिकली एक लेक्चरर का है, तो इसमें आपको
ज़्यादा टेक्निकल तो उन्होंने बस बेसिक बेसिक पूछा, लेकिन आपको जनरल कितना आप रखते हो, जनरल नॉलेज कितना रखते हो, आपके आसपास क्या हो रहा है, या फिर अगर मैं बात करूँ तो जो उन्होंने पूछा ये सब सवाल बेसिकली टेक्निकल उन्होंने बहुत कम पूछा। जो भी उन्होंने पूछा जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड पूछा, जनरल नॉलेज मीन्स क्या हुआ कि जैसे अब इसमें क्वेश्चन ज़्यादा अम्बेडकर के बारे में था या फिर महात्मा गांधी के बारे में था, तो उन्होंने बस जनरल एक आपसे आपका परसेप्शन वो जानना चाहते थे कि आपका थाट इनके लिए क्या है, क्या क्या है, किस टाइप का है, आप इन्हें कैसे देखते हो, यही सब बेसिक होता है। तो आपको ये सब बताना था और ज़्यादा कुछ था नहीं। तो ये तो एक प्योर टेक्निकल मैं नहीं बताऊंगा, ये बस देखो जो भी इसमें क्वेश्चन उन्होंने टेक्निकल से करा वो बस 11 12 का क्वेश्चन था, इंजीनियरिंग कोई क्वेश्चन ही नहीं था। तो आप देख सकते हो, और ये एक तरह का ऐसे ही बेसिक है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मैं बस इसमें ये बताना चाह रहा था कि जब लेक्चरर का, पॉलिटेक्निक कॉलेज का लेक्चरर का था, तो इसमें वो बहुत बेसिक सवाल पूछेंगे, आपको बस कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से जाना है, और जो भी है आपको बताना स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं बोलना है, और यू नो गलत तो नहीं बोलना है, आपको जो सवाल है वो सवाल बोलो, आप नहीं है तो फिर नहीं बोलो, आप गलत बोलोगे वो सामने से पकड़ लेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो